चाहिए। ये तीन या चार चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एक खोना चाहते हो। 120 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। अगर आप एक वुमेन, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड या शेड्यूल कास्ट के हो तो आपके लिए वो सारे सर्टिफिकेट जरूर होने चाहिए, बैकवर्ड कास्ट का या एवरीथिंग काइंड ऑफ सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होने चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो आपके पास बी फार्मा, डी फार्मा इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए उसके ऊपर। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट तो हाई है पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसके बिना कुछ भी बात नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा 5,000 रुपए की रिफंडेबल जो फीस जो लगती है, नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए होती है, जो कि वुमेन, एक्स सर्विसमैन, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए नहीं लगती है। सो 5,000 रुपए की वो फीस लग जाती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जाननी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर 1 किलोमीटर के अंदर कहीं और भी जन औषधि केंद्र खुला है ना तो आप नहीं खोल सकते हैं। तो विद इन 1 किलोमीटर आप देख लीजिए, अगर आप खोलना चाहते हैं, अगर कोई और जन औषधि केंद्र खुला है तो आप नहीं खोल सकते हैं, ये चीज ध्यान में जरूर रखनी है। सेकंड चीज जो है वो ये जो किलोमीटर वाली जो डिस्टेंस क्राइटेरिया मैंने बताया ना कि 1 किलोमीटर के अंदर, वो उस चीज में एलिजिबल नहीं होता या उस चीज में फिट नहीं बैठता है। अगर मान लो 500 मीटर के अंदर कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल है, मतलब अगर 500 मीटर के अंदर कोई गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहां पे 1 किलोमीटर के अंदर दो भी खुल सकते हैं। कहने का सिंपल सा भाषा में ये मतलब है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या है जन औषधि केंद्र खोलने के लिए, 120 स्क्वायर फीट एरिया, बी फार्मा डी फार्मा क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर वुमन, एक्स सर्विसमैन, शेड्यूल कास्ट वाले हो तो बैकवर्ड कास्ट का सर्टिफिकेट या प्रूफ होना चाहिए, सिंपल सी बात है। 5,000 रुपए की रिफंड नॉन रिफंडेबल फी लगती है एप्लीकेशन करने के लिए। इसके अलावा 1 किलोमीटर के अंदर देख लीजिए कोई और तो नहीं है, अगर 500 मीटर का अंदर प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो हाँ एक से दो भी खोले जा सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो, मेरी बाकी वीडियोस की तरह आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड बहुत ही नॉलेजेबल रही होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू।